हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलीज किचन। आज मैं यूट्यूब पर अपना कुकिंग वीडियो रिव्यू करने जा रही हूँ। होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए। सो लेट स्टार्ट विथ चीज़ रोल्स। चीज़ रोल्स के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है: 1 फाइनली चॉप्ड अनियन, 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ऑफ चाट मसाला, हरे धनिए की पत्तियाँ, 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न्स, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 ग्रीन चिली, 200 ग्राम्स चीज़, 3 to 4 चीज़ स्लाइसेस, 3 to 4 ब्रेड स्लाइसेस एंड 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर ऑयल फ्राई करने के लिए। हम चीज़ लेंगे, चीज़ को अच्छे से हाथ से मैश करेंगे। इसमें चॉप्ड अनियन मिक्स करेंगे, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, सॉल्ट, ग्रीन चिलीज, हरा धनिया, कॉर्न्स, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ ताकि तब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाए। हम बाउल में थोड़ा पानी लेंगे, इसमें ब्रेड स्लाइस को डिप करेंगे, हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और ब्रेड के एक कॉर्नर पर हम 1/2 चीज स्लाइस रखेंगे और ये स्टफिंग को चीज स्लाइस के ऊपर रखेंगे। इसे हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, इसके कॉर्नर्स को प्रेस करना है, मिड से इसको प्रेस नहीं करना वरना ये फ्लैट हो जाएगा। अब हम इसे साइड में एक प्लेट में रख देंगे। ऐसे ही हम दूसरा चीज स्लाइस लेंगे, उसे डिप करेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। अब इसके कॉर्नर पर 1/2 चीज स्लाइस रखेंगे, मिक्सचर को रखेंगे, और इसे फोल्ड कर देंगे, हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे। तो इस पता अब हमें बाउल में और पानी लेंगे, इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, इसकी पेस्ट रेडी करेंगे। हम पेस्ट बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इसमें हम अपने ब्रेड स्लाइस को डिप करेंगे हल्का सा और प्रेस करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब इस स्लाइस को हम इसमें डाल देंगे। अब दूसरा स्लाइस लेंगे, उसे भी हम कॉर्नफ्लावर मिक्सचर में डिप करेंगे, उसे भी हम ऑयल में डाल देंगे। ऐसे ही सारे पीसेस को हम कॉर्नफ्लावर में डिप करके फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ये ध्यान रखें, इसे फ्राई करते हुए हमारी आंच तेज पर होनी चाहिए। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी हम इसे पलट देंगे। अब ये फ्राई हो गए हैं, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये फ्राई हो चुके हैं, इसे हम बीच में से कट कर देंगे। आप देख रहे हैं जो हमने चीज स्लाइस लगाया था वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे केचप के साथ सर्व करेंगे। ये चीज़ रोल्स रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।